साथियों, आप सभी का हमारे फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बार्क के स्किल टेस्ट की जो डेट थी वो आ चुकी है। दसवें महीने यानी अक्टूबर में हमारे बार्क का स्किल टेस्ट होगा। तो आप सभी को मालूम है कि स्किल टेस्ट की तैयारी हम पहले करे थे, लेकिन वो तैयारी जो है सुस्त पड़ चुकी है। यदि हम चाहें कि हमें गवर्नमेंट जॉब बार्क में मिले, तो हमें उस तैयारी को उसी तेज़ी में लाना पड़ेगा जिस तेज़ी में जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था, जिस तेज़ी में हम थे, तो उसी तेज़ी में हमें लाना पड़ेगा। क्योंकि यदि हमें बार्क की ड्रेस को पहनना है, बार्क के गवर्नमेंट जॉब में पहुंचना है, तो हमें पसीना बहाना पड़ेगा जिस तरीके से मेरा पसीना बह रहा है वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग उसी जोश में आ जाइए जब रिजल्ट आया था और आप लोगों ने ज़ोर शोर से स्किल टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो आज हम वो टिप्स बताएँगे कि आप बार्क में 100% जॉब पाएंगे और कैसे हम स्किल टेस्ट की तैयारी करें। देखिए, स्किल टेस्ट की तैयारी करना इसलिए ज़रूरी है कि स्किल टेस्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप दो दिन चार दिन में रट करके आप स्किल टेस्ट में पहुंच जाएं या स्किल टेस्ट को पास कर सकें। आपको स्किल टेस्ट के लिए पसीना बहाना पड़ेगा, कम से कम दो महीने मेहनत करना पड़ेगी। जैसे अभी आठवां महीना चल रहा है यानी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त का सितंबर और अक्टूबर, आधा अक्टूबर यानी ज़्यादा अक्टूबर के 10 ही दिन हैं, तो आपको लगभग दो महीने अभी बचे हुए हैं। तो स्किल टेस्ट के लिए दो महीने भी कम पड़ सकते हैं, क्योंकि स्किल टेस्ट एक रटने और पढ़ने वाला कोई सिस्टम नहीं है। स्किल टेस्ट में आपको हाथ से ही वो काम करना पड़ेगा, हाथ से ही सीखना पड़ेगा। तो आप लोगों ने जहां स्किल टेस्ट सीखना स्टार्ट किया था, तो उसी तरीके से सीखें, या जो टिप्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि स्किल टेस्ट हम कैसे सीखें अपने घर पर, तो उस तरीके से भी आप स्किल टेस्ट सीख सकते हैं। रही स्किल टेस्ट और लिखने की बात, तो आपको लिखने के लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर लिखने का कि हम कॉपी कैसे लिखें उसके भी कुछ नंबर मिलते हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। तो लिखने का आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के लिखने का सीख लीजिए। अब हम स्किल टेस्ट की बताएंगे कि स्किल टेस्ट में हमें कैसे सीखना है, क्या करना है। सबसे पहले कुछ लोग ITI में सीखने जा रहे थे तो वहाँ जा करके आप सीखें, जो लोग घर पर सीख रहे थे घर पर सीखें, या दुकान में जा रहे थे तो दुकान पर जाकर भी सीखें। पर आपको कम से कम स्किल टेस्ट यदि फाइट करना है और बार्क में गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो आपको कम से कम दो महीने प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा। देखिए, ये मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी वैकेंसी बहुत कम आ रही है और आपका 70% काम स्किल टेस्ट का हो गया है, आपका ओनली 30% काम बचा है। तो दो महीने उस 30% काम को कवर कर लीजिए और आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। तो हमें क्या करना है स्किल टेस्ट के लिए, क्योंकि स्किल टेस्ट की डेट जो है डिक्लेयर हो चुकी है। यदि आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की है, तो आप अपना जो है ID से जो बार्क की साइड है वहां से जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। डेट आ चुकी है बार्क की स्किल टेस्ट की, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए हमने जो क्या बना रखा है अपने घर पर, देखिए ये 22 लगी हुई है, तो ये 22 को हम अभी सफाई करके तैयार कर लेंगे, क्योंकि जब स्किल टेस्ट के लिए हम लोग सेलेक्ट हुए थे तो हम लोगों ने ये 22 घर पर बना रखी थी। एक टेबल बनवा रखा है, जिस टेबल को मैं देखिए सहारा लेकर के सामान रखा हुआ है पूरा, तो ये टेबल पर हम लोगों ने 22 बना रखी थी। तो ये अच्छे से काम नहीं कर रही, तो इसकी सफाई कर लेंगे। हम लोगों ने कहीं ITI हम लोग नहीं गए क्योंकि वहाँ पैसे ज़्यादा मांग रहे थे, तो घर पर ही हम लोगों ने एक टेबल बनवाया था, उस टेबल पर ही ये 22 मैंने लगा रखा। चैनल पर मैंने इसका भी डाल रखा है कि कितने पैसे में ये बना था और कैसे बना था, तो ये 22 मैंने लगा रखी है। इसके बाद मैंने एक लोहे का पीस जो है ये ख़रीदा था दुकान से, देखिए ये पीस है 8 mm मोटाई का है, तो ये पीस हम ख़रीद के लाए थे क्योंकि इसी में हम जॉब बनाए थे। और एक जॉब हम देखिए ये बनाए हुए थे, जॉब आप लोग देख रहे होंगे, ये जॉब बनाए थे हम डबटेल फिटिंग का, तो ये भी देखिए ख़राब हो चुका है क्योंकि 2-3 महीने हम लोग जॉब बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब दोबारा से उसी रिदम में हमें आना है, हमें शांत नहीं पड़ना है। यदि हम अभी शांत पड़ गए तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें सिलेक्शन 100% चाहिए, क्योंकि 70% काम हो चुका है। यदि हम स्किल टेस्ट नहीं सीखेंगे तो हमारा जो 70% काम जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ हम बता रहे हैं, हम क्या क्या लेके आए थे, देखिए ये डिवाइडर है, ये डिवाइडर हम लेके आए थे, इसमें जो है कोरोजन जंग वगैरह लग रहा है तो इसकी सफाई हम करेंगे। तो ये डिवाइडर के बाद देखिए पंच हमने बनवाए थे, जो फोर्जिंग वाला होता है लोहार, उससे हम पंच बनवा के लाए थे क्योंकि पंच भी करनी पड़ती है। तो ये आइटम देखते जाना आप लोग को क्या क्या तैयार करके रखना है। देखिए ये हेक्सा ब्लेड हम लेके आए थे, इसमें हेक्सा फ्रेम और ब्लेड दोनों लेके आए थे। इसके बाद ये जेनी कैलिपर है, ये जेनी कैलिपर को आप लोग तैयार रखिए, देखिए ये जेनी कैलिपर है, इस तरीके से रहता है ये जेनी कैलिपर, ये भी हमें चाहिए पड़ेगा मार्किंग करने के लिए। ये चौक है, क्योंकि हम जब
किसी जॉब को बनाते हैं तो उसके ऊपर मार्किंग मीडिया लगाना पड़ता है। जैसे आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये मार्किंग मीडिया हम लोग लगाए थे। तो ये चीज़ आज हम बता रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों को कंप्लीट करके रखना है। देखिए ये ट्राई स्क्वायर है, इसके बाद देखिए ये हाफ राउंड फाइल है, ये इसमें जंग लग चुका है तो इसकी अभी हम सफाई करेंगे। इसके बाद ये स्क्वायर फाइल है, स्क्वायर फाइल। इसके बाद ये भी हाफ राउंड फाइल है, छोटी वाली 200 mm वाली। इसके बाद ये फ्लैट फाइल है, छोटे काम के लिए हम यूज करते हैं, छोटी वाली। इसके बाद ये वॉल पेन हैमर हम लेके आए थे, ठीक है ना। इसके बाद ये सारी फाइलों में देखिए जंग लग चुका है। इसी तरीके से हमारी जो स्किल टेस्ट की तैयारी थी उसमें भी जंग लग चुका है। उसी जंग को हमें हटाना है, उसी कोरोजन को हटाना है। जब टूलों में, हमारे टूलों में जंग लग सकती है तो भाई हमारी तैयारी में भी जंग लग सकती है। स्किल टेस्ट की जो तैयारी हमने की थी, यदि जंग लगी हुई तैयारी के साथ हम उधर स्किल टेस्ट देने जाएंगे बार्क में, तो हमारा सिलेक्शन नामुमकिन है। इसलिए हमें उस जंग को हटाना है। और हमें जो स्किल टेस्ट है हम लोग अच्छे से सीख चुके थे 2-3 महीने पहले, उसी स्पीड से उसी जोश के साथ हमको सीखना है। तो ये जंग को हम हटाएंगे अभी तेल लगा करके, और हम सीख करके अपनी जंग को भी हटाएंगे। तो ये ट्रायंगुलर फाइल है, देखिए ये फ्लैट फाइल है, देखिए फ्लैट फाइल थोड़ा लंबी वाली है। ये ज़्यादा मेटल हटाने के लिए ये फ्लैट फाइल है, रफ वाली। तो हम रफ वाली फाइल लेके आए थे, कुछ फिनिश वाली फाइल लेके आए थे, ठीक है इसमें। इसके बाद ये ब्लेड का पूरा बंच लेके आए थे, बहुत सारी ब्लेड है इसमें, तो क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है तो ये ब्लेड लीजिए। और आप लोग उसी जोश से तैयारी करिए जिस जोश से हमें सिलेक्शन चाहिए बार्क में, क्योंकि आप लोगों ने रिटन टेस्ट जो पास किया था उसमें भी काफ़ी सारा कॉम्पिटिशन था। लेकिन अब जो कॉम्पिटिशन है वो स्किल टेस्ट में है। तो स्किल टेस्ट के लिए हमें क्या करना है, हमें जॉब बनाना है और कॉपी लिखने की प्रैक्टिस करना है। कॉपी लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो पर जाएं और उस कॉपी लिखने की प्रैक्टिस करें। कॉपी लिखने के लिए आप रट सकते हैं लेकिन स्किल टेस्ट को रट नहीं सकते हैं। उसकी तैयारी हमें अभी से करना पड़ेगी, क्योंकि स्किल टेस्ट एक प्रकार का मैनुअल वर्क होता है। उसको जब आप अपने हाथ से करोगे, कटिंग करोगे, फाइलिंग करोगे, तभी आप कर पाओगे। तो इसीलिए 2 महीने का भी आपको टाइम है, तो 2 महीने के इस टाइम में आप लोग जॉब को काटें, उसकी फाइलिंग करें, फिनिशिंग करें, ठीक है ना। ड्रिलिंग करना सीखें, टेपिंग करना सीखें, और डक्टाइल फिटिंग बनाना, टी फिटिंग बनाना। तो हमारा मेन मकसद यही था आज वीडियो बनाने का, कि आप लोग किस तरीके से तैयारी की शुरुआत करें, क्योंकि जो स्किल टेस्ट की डेट है वो आ चुकी है। तो आप लोग का यही है सिलेक्शन, यदि आप चाहते हैं इस जॉब में तो आपको क्या करना है, स्किल टेस्ट सीखना स्टार्ट करना है। चाहे किसी दुकान पर जाकर के, ITI में जाकर के, या घर पर भी जो ये मैंने बनाया है इस पर जाकर के आप ये ख़रीद करके आप स्किल टेस्ट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। इस सारे टूल को, जिस तरीके से ये टूल ख़राब हो चुके हैं, तो ये इसी तरीके से आपकी तैयारी में भी थोड़ा सा ब्रेक हो चुका होगा। तो उस ब्रेक को ख़त्म करके उसी रिदम में, उसी स्पीड में आ जाइए जिस स्पीड में हम जब रिजल्ट आया था उसी स्पीड में थे। तो आप सभी को इसी तरीके से इस टूल का यूज करना सीखना है और जॉब बनाना है जिस तरीके से मैंने आपको ये जॉब दिखाया है। ऐसे ही जॉब बनाइए और इन जॉब को फिटिंग करके दोनों को आप अच्छे से देखिए किस तरीके से हमें मार्किंग करना है, किस तरीके से कटिंग करना है। पहली बार यदि आप जॉब बनाओगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब बनेगा, और कभी भी जॉब देखने से और पढ़ने से नहीं बनता है। आपको जॉब बनाना पड़ेगा, आपको अपने हाथों को चलाकर और थोड़ा सा मेहनत करके जॉब को बनाना पड़ेगा। यदि आप इधर जॉब नहीं बनाओगे तो बार्क का जो स्किल टेस्ट का सेंटर होगा वहाँ जॉब बिल्कुल नहीं बना पाओगे। आपको 20 से लेके 25 जॉब इधर घर पर बनाना पड़ेंगे। तो मेरा मकसद यही था कि आप लोग घर पर जॉब बनाना स्टार्ट अभी से कर दें, और जैसे ही आपकी डेट आ ही चुकी है तो उसी डेट पर अपना पहले पहुँच कर जाएं और बढ़िया अच्छे से स्किल टेस्ट बनाएं और जॉब पाएं। धन्यवाद।